आदमी पार्टी किसान अध्यादेशों के विरोध में किसानों के समर्थन में खड़ी हुई दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि करनाल सीएम सिटी में कार्यकर्ताओं ने राज्य स्तरीय प्रदर्शन एवं सीएम हाउस का घेराव किया, जिसमें आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता ने प्रदर्शन की अगुवाई की। बड़ी संख्या में प्रदेश भर से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता करनाल के रेलवे रोड निरंकारी भवन के समीप इकट्ठे हुए एवं किसान अध्यादेश को किसान विरोधी बताते हुए नारेबाजी की। सीएम हाउस प्रेमनगर पहुंचे पुलिस द्वारा कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए बैरिकेड लगाए गए थे, परंतु प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड तोड़ने की एवं हटाने की कोशिश की। मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद रहा। यहां हम आपको बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा किसानों के लिए लाए गए 3 अध्यादेशों को लेकर विभिन्न पार्टियां प्रदेश भर में प्रदर्शन कर रही हैं एवं कृषि विरोधी अध्यादेश को वापस करने की मांग कर रही हैं, जिसके चलते कांग्रेस पार्टी, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी पहले ही इन अध्यादेशों के विरोध में जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन कर अपना विरोध जता चुके हैं। उसी कड़ी में आम आदमी पार्टी द्वारा भी एक विशाल जनसमूह के साथ सीएम हाउस का घेराव करने का कार्यक्रम रखा गया। हरियाणा सरकार के विरुद्ध नारेबाजी करते हुए सीएम हाउस पहुंचे और सरकार से इन अध्यादेश को वापस लेने की मांग करने लगे। करनाल से समाचार एक्सप्रेस की रिपोर्ट। बीजेपी को छोड़ देना, सिर्फ धमकी ला लगता है, उसके साथ बीजेपी के साथ पड़ावा जावे और उसके विधायक है, मैं उसके विधायक को बताना चाहूंगा कि भाई को दो अपना स्टैंड मतलब दो, अपना स्टैंड क्लियर कर लो, मैं तो किसाना का भी आ जाओ और क्या भाई तू सरपंच चले जाओ, सीधी सी बात है भाई साहब। लेकिन मैं एक बात बताऊँ, जो उसके विधायक जीत रहे हैं ना, एक मंत्री पदरा करके दुष्यंत ने मंत्री बनाया भाई और खट्टर का बाकी बदमाश पूरा है कम ना मान लियो उसने तमें ब्याह तो भगवान की दया तो इसकी सूट कोनी बैठी और कुकर नहीं बैठी तमने बेरा होना चाहिए। ये होया कि हम ताऊ खट्टर के गांव में गए थे भाई उत्तर खत्म करना हम शायद बेरा कोनी ताऊ का काम जो है ना वो रोज तक डिस्ट्रिक्ट में है भाई और उड़े गए थे पूछण ने भाई मार ला ताऊ खट्टर नु गांव ने ब्याह कौन कराया देश खातर बार बार गवाया बात है भाई मैंने ब्याह नहीं कराया देश खातर मैंने घर को नहीं बसाया देश खातर है अब भाई सच्ची बात कुछ चले गए तो ताऊ झूठ बोल रहे कि सच्ची बोल रहा है आपने बेरा के गांव वाले के बोल ले एक ताऊ का टकर के हां ताऊ ये भाई तू गंदा अपना ब्याह नहीं कराया तू नु बता भाई होया को नहीं कराया को नहीं अरे नुबला सेरा तो सबसे पहले ठहरा था इसका होया को नहीं इसका बाबू ने कराया को नहीं कोरोना टाइम पर क्या था कि मारा 5-6 मतलब वाला करते ना किसके मदे इतना रक्षा करते भाई और तसल्ली ना हो तो भूल ना तो पूछ लियो पहले के था 5-6 मदे एक मतलब ना रक्षा करते और मारा ताऊ खट्टर और 5-6 मतलब थे भाई किसका बापू ने देखा कि भाई वो नॉर्मल करते है ना वो काम तो हमको करा को नहीं और यो अंधा बा सब में इसलिए के काम करा बोला भाई एक राखड़ा अपन बोला एक राखड़ा है तो बोला भाई ताऊ खट्टर को रख लिया सच्ची बात तो यो है कि ब्याह कराने की लाइन में ताऊ नॉर्मल खट्टर करता पहले खड़ा था लेकिन वो तो इसका बाप तो ने भाई साहब खड़ा को नहीं और पाछा भाई साहब है पर कोनियो ही। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets lie hai Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden World class catering centrally air conditioned lush green lawns state of the art lighting a perfect venue for wedding launching and parties Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise